नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल HT स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी RRB असिस्टेंट लोको पायलट की जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को जो आप शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में जो है टेस्ट की जो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरह से आपको जो ई एडमिट कार्ड है वो आएगा, और जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक है वो किस तरह से अवेलेबल है, और डाउनलोड जो आपकी एग्ज़ाम शीट है वो कहाँ पर आएगी, और जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी आपके आ चुकी है, और SC ST जो पास के बारे में जो आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में दी जाएगी। तो फ्रेंड, आप वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जो रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर हम विजिट करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो रेलवे की हमारी ऑफिशियल साइट है उसको ओपन कर लेते हैं, और किस तरह से आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको बताऊँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो अपना गूगल जो क्रोम है वो ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या फिर PC में, और यहाँ पर हमको टाइप करना है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और फ्रेंड यहाँ से आपको इसे एंटर कर देना है। और देखिए फ्रेंड, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको इंटरनेट पे जो है दिखाई देगा, और जो सबसे ऊपर आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो साइट है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जो फर्स्ट पे है। और यहाँ से फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ से आपकी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी जितनी भी राज्य जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जितनी भी जो सिटी हमारी, ये सभी जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। फ्रेंड जहाँ पे भी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है जिस भी जोन में, जैसे कि अजमेर, इलाहाबाद, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है चंडीगढ़ पर क्लिक कर लेता हूँ, और देखिए फ्रेंड यहाँ से जो चंडीगढ़ की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड, जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है 26/7/2018 की, जो है 1/2018, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में जो न्यू पे है, क्लिक हर फॉर CT एंड जो है इंटीमेशन एंड SC ST ट्रेवल पास के बारे में, और दिस लिंक सेल बी लाइव। और आप यहाँ से देखते हैं जो 26 जुलाई 2018 को जो है ओपन हो चुका है, और उसके नीचे फ्रेंड आप ये देख सकते हैं क्लिक हर टू मॉक प्रैक्टिस ऑफ CBT फॉर द कैंडिडेट। और फ्रेंड यहाँ पे आपको जो है दोनों की जानकारी मिल जाएगी, और जो फर्स्ट में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड देखिए ऊपर देख सकते हैं आप रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो भर्ती बोर्ड्स हैं, जो कि ALP टेक्निक्स जो साइक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन, जो फर्स्ट स्टेज का जो CBT एग्जाम CT एंड डेट जो है इंटीमेशन, प्रथम चरण CBT परीक्षा शेर एवं दिनांक जो है सूचना। तो ये फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या भरना है। कैंडिडेट जो है लॉगिन, यहाँ से हमको लॉगिन करना, यूज़र आईडी में हमको अपनी जो है यूज़र आईडी डालनी, और उसके नीचे जो है यूज़र पासवर्ड डालना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं एक जो है यूज़र आईडी जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, और फ्रेंड आप यहाँ पे अपनी जो है आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से लॉगिन कर देना है, और उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं जो कि यह साइट, यह सूचना परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं है, यह केवल आपको परीक्षा शहर एवं दिनांक की जानकारी देने और यात्रा व्यवस्था के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है किस लिए है, और ऊपर आप देख सकते हैं एग्जाम इन्फॉर्मेशन फ्री ट्रैवल पास फॉर SC एंड ST के लिए है ये। तो ये जानकारी जो दी हुई है, और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसमें, और इसके नीचे देख सकते हैं फ्रेंड वहाँ से आपको लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको जो परीक्षा शहर है वो गुरुग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा राज्य हरियाणा, एग्जाम लैंग्वेज जो चयनित परीक्षा है वो हिंदी, और यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, तारीख है फ्रेंड वो है 31 अगस्त। ये आपकी नहीं है फ्रेंड, ये जो भी आप मतलब अपनी जो है यूज़र आईडी डालोगे तो आपका जो सबका अपना जो है अलग अलग से आ जाएगा, और जो पारी शिफ्ट है जो वो है 3rd हो जाएगा, और इसकी जो परीक्षा की अवधि है वो 60 मिनट, और इस तरह से देखिए उपस्थित होने का समय 2:15, और गेट बंद होने का समय जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 3:15, और जो परीक्षा आरंभ होने का समय ये है हमारा 4 PM का, और जो यहाँ पे इंट्रक्शन दिया हुआ है, अनुदेश दिए हुए हैं, मैं आपको ये पढ़कर जो आपको बता देता हूँ। देख फ्रेंड, जो नीचे हिंदी में दिया हुआ है यह है, यह सूचना आपका इको लेटर नहीं है, और यह आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देती है, यह केवल आपकी परीक्षा शहर एवं दिनांक के लिए जानकारी और यात्रा व्यवस्था के लिए है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, आप अपने संदर्भ के लिए इस सूचना को डाउनलोड और मुद्रित कर सकते हैं, और 3rd नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपनी परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप अपने जो है दिनांक दिया हुआ फ्रेंड कि आपकी अगर परीक्षा 10 को तो उससे 4 दिन पहले, अगर 11 को तो उससे भी जो 4 दिन पहले, जिसमें परीक्षा केंद्र विवरण, रोल नंबर इत्यादि जैसी सभी आवश्यक जानकारियाँ शामिल होंगी। आपको केवल
ई कॉल लेटर के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। तो फ्रेंड जो है आपकी जो परीक्षा तिथि अभी है उससे जो है 4 दिन पहले आपको ये सब जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी फ्रेंड। तो आप इस तरह से जो है ये अपना जो ई कॉल लेटर जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।